एक बात और समझ लीजिए कि फिर जो आजतपुर में रेट जो आलू बिक रहा है वो हमारे कोल्ड में बिक रहा है, तो व्यापारी कहाँ लेके जा रहे हैं? बिल्कुल दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन हो सकता है इसका। दोस्तों मैं विकास गौड़, हमारे चैनल में आज बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों मैं काफी अच्छी बात करने वाला हूँ उन किसानों के लिए जिनके पास शुगर फ्री आलू रखा है। जैसे अलीगढ़ पूरी बेल्ट में, अलीगढ़ बेल्ट में, इगलास बेल्ट में और हाथरस बेल्ट में भी काफी आलू है शुगर फ्री, और उन किसानों के लिए काफी अच्छी खबर होने वाली है। इस वजह से दोस्तों मैं कुछ खबर अलग लेके आया हूँ आपके लिए, और शुगर फ्री आलू के बारे में मैंने थोड़ा कल बताया था, आज मैं पूरी खबर आपके लिए बताऊंगा इसमें कि शुगर फ्री जो किसान है उनके लिए क्या डिमांड बन के आ रही है, क्या आगे चल के उनको पैसा मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको आलू के भाव से भी अपडेट करा देते हैं कि किस जगह आलू के भाव कैसे रहे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बिना आपका टाइम वेस्ट किए भाव जानते हैं, और आज हम नई मंडियों से भी बात करेंगे, जो हमारी लोकल मंडी होती है उनकी भी आज बात करेंगे। जैसे कि बुलेंसर मंडी का ही जान लेते हैं, बुलेंसर हमारे पास में ही है लेकिन उस मंडी का भी जानना जरूरी है। तो बुलेंसर मंडी में दोस्तों जो चिप्सोना आलू है, बुलेंदशहर में चिप्सोना आलू काफी होता है, बुलेंदशहर में जो चिप्सोना आलू है वो 800 से 850 रुपए पैकेट, और 3797 वो 700 से लेकर 750 रुपए पैकेट, और यहाँ पे भी किसान भाइयों शुगर फ्री ही आलू होता है। अब दोस्तों जानते हैं हरियाणा की बात, लेकिन हरियाणा की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं मुंबई मंडी के बारे में। तो दोस्तों जो मुंबई मंडी है और मुंबई मंडी के जो बाशी मंडी है उसमें दोस्तों आगरा का जो 3797 आलू है वो बिक रहा है 17 से 18 रुपए किलो, और जो गुल्ला है वो बिका 15 से 16 रुपए किलो, और दोस्तों गुजरात का बादशाह आलू वो बिक रहा है 16 से 17 रुपए किलो, और लॉकर आलू बिक रहा है 20 से 21 रुपए किलो, और एमपी का जो लॉकर है वो भी 20 से 21 रुपए किलो बिक रहा है दोस्तों, और गुजरात का एलआर आलू भी बिक रहा है 16 से 19 रुपए किलो, और यही मध्य प्रदेश का भी बिक रहा है 16 से 19 रुपए किलो। और चिप्सोना की बात करें वाशी मंडी में, तो चिप्सोना 15 से 17 रुपए किलो बिक रहा है, वहां पर चिप्सोना आलू सस्ता है, और ज्योति आलू भी 13 से 16 रुपए किलो ही बिक रहा है। तो ये तो रहे किसान भाइयों मुंबई मंडी के भाव। अब जानते किसान भाइयों हम बिहार के बारे में, बिहार में क्या है कि अब कोल्ड खुलना शुरू हो चुके हैं धीमे धीमे, तो बिहार की जो पटना मंडी है उसमें जो आलू है 700 से लेकर 750 रुपए, इसमें -30 रुपए कम हुए हैं, यानी 30 रुपए कम हो चुके हैं, और समस्तीपुर में 1400 से 1450 रुपए क्विंटल ही बिक रहा है, अभी वही रेट चल रहा है। रांची में 750 से लेकर 800 रुपए पैकेट। अलीगढ़ की बात करें दोस्तों, अपनी अलीगढ़ मंडी में बात कर लेते हैं, 615 से लेकर 805 रुपए, यहाँ पे 10 रुपए की तेजी देखी गई है अलीगढ़ में। और इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में 600 से लेकर 710 रुपए, 3797, और पोखराज 12 से 13 रुपए किलो है, और G4 17 से 20 रुपए किलो है। और दोस्तों कन्नौज की बात करें 500 से लेकर 600 रुपए। इंदौर की बात करें तो इंदौर में 500 से लेकर 800 रुपए पैकेट, यहाँ पे 25 रुपए डाउन देखे गए। अब दोस्तों हम सूरत की बात कर लें, सूरत में 650 से लेकर 950 रुपए पैकेट, यहाँ पे -30 रुपए यानी 30 रुपए की कमी देखी गई है। और अहमदाबाद में 600 से 910 रुपए, यहाँ पे 15 रुपए की कमी देखी गई है, जो 925 तक बिक रहा था। अब दोस्तों हम कर्नाटक की बेंगलोर की बात कर लें, तो बेंगलोर में आगरा का जो आलू है वो 20 से 21 रुपए, और चिप्सोना 18 से 21 रुपए, और LR मध्य प्रदेश का जो बिक रहा है वो 19 से 20 रुपए किलो, और 302 आलू है वो 18 से 19 रुपए किलो, 302 आलू भी अब डाउन हो गया 3797 से। और दोस्तों मध्य प्रदेश का जो है वो MP का ज्योति है वो बिक रहा है 18 से 20 रुपए किलो, जो मध्य प्रदेश का जो ज्योति आलू वो 18 से 20 रुपए किलो बिक रहा है। अब दोस्तों बेंगलोर के भाव 800 से लेकर 1200 रुपए बोल देते हैं, लेकिन इसमें जो 1200 रुपए का मतलब ये हो गया कि 24 रुपए किलो आलू कहीं नहीं बिका है, लेकिन जो कोलार का आलू है वो 24 से 25 रुपए किलो तक भी बिक रहा है, केवल वही बिक रहा है। जो हमारा आगरा का आलू वो 20 से 21 रुपए या ज्यादा से ज्यादा कभी 22 रुपए भी हो जाता है। और दोस्तों हम कर्नाटक के मैसूर की बात कर लेते हैं, मैसूर में 850 से लेकर 950 रुपए पैकेट। और दोस्तों तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, तमिलनाडु में 3797 जो आलू है वो बिक रहा है 22 से 24 रुपए किलो, और 302 बिका है 20 से 21 रुपए किलो, पहले 302 आगे चल रहा था, अब 302 पीछे हो गया है। और कोलार का आलू वो भी पीछे हो गया, वो भी आगे चल रहा था, कोलार का आलू वहां पर बिका 20 से 21 रुपए किलो, और ज्योति आलू 18 से 20 रुपए किलो, और तुम्हारा चिप्सोना आलू बिका 17 से 18 रुपए किलो। ये मध्य प्रदेश के आलू हैं दोनों, ज्योति और चिप्सोना। अब दोस्तों ये आपने देखा कि 302 आलू थोड़ा डाउन हो गया 3797 की अपेक्षा। अब हम विशाखापट्टनम की आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं, वहां पे 1150 से लेकर 1200 रुपए पैकेट अभी भी चल रहा है। और चेन्नई की बात करें 1000 से लेकर 1100 रुपए पैकेट, और जयपुर की बात करें 550 से लेकर 800 रुपए पैकेट ही चल रहा है। अब दोस्तों अगर उड़ीसा की बात कर लें, उड़ीसा में भुवनेश्वर में 850 से लेकर 945 रुपए पैकेट चल रहा है। तो बंगाल के कोलकाता की बात करें, कोलकाता में तेजी देखी गई है, 850 से लेकर 1100 रुपए पैकेट, जो कि पहले 1150 रुपए था या 1050 रुपए तक ही था। अब दोस्तों असम की बात कर लेते हैं, असम में जो डिब्रूगढ़ है वहां पे 950 से लेकर 1090 रुपए, यहाँ पे 20 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है,
और तिनसुकिया में दोस्तों 1010 रुपए से लेके 1025 रुपए पैकेट। और दोस्तों अभी हम आपके लिए इस वीडियो में बताएंगे कि शुगर फ्री आलू के बारे में जो हमने बोला था उसके लिए हम आपके लिए डिटेल में अभी बताएंगे, लेकिन थोड़ा दिल्ली का हाल भी जान लेते हैं। दिल्ली में क्या चल रहा है, दिल्ली में 92 गाड़ी है और 92 गाड़ी में से 42 गाड़ी बैलेंस है, क्योंकि जो कल गाड़ी थी वो 110 के करीब गाड़ी थी टोटल। 37-97 दोस्तों आलू वहां पे 800 रुपए बिका है और बढ़िया क्वालिटी का, क्योंकि अगर 700 से 800 के बीच में ही बिक रहा है, किसी का 750 बिक रहा है, किसी का 700 बिक रहा है, किसी का 750 बिक रहा है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का देखें, सुबह जो बिक जाते हैं सौदे वो 800 रुपए तक भी हैं। और चिप्सोन आलू दोस्तों वहां पे 800 रुपए से 950 रुपए, जो 900 रुपए से ऊपर बिक रहा है वो बिक रहा है चड़ौसी का, और जो 800 से 900 के बीच में बिक रहा है आगरा और तुम्हारा अलीगढ़ और संभल के आसपास का आलू। और दोस्तों तुम्हारी अगर सूर्या की बात कर लेते हैं, सूर्या बिक रहा है 900 से 1100 रुपए पैकेट, और हाईब्रिड की बात करें हाईब्रिड 600 से लेकर 650 रुपए पैकेट बिक रहा है दिल्ली में। अब दोस्तों हम लास्ट बात कर लेते हैं हरियाणा के बारे में, इसके बारे में बात हम इसलिए कर रहे हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। हरियाणा में जो चिप्सोन आलू है वो बिका है 770 से लेकर 900 रुपए पैकेट, और जो 37-97 वो 650 से लेकर 700 रुपए पैकेट, और जो ख्याति आलू है वो बिका 630 रुपए से लेकर 690 रुपए पैकेट। और दोस्तों ये तो रहे आज के आलू के भाव, अब जानते हैं जो शुगर फ्री आलू है क्या उसके आगे रेट बढ़ सकते हैं या उसकी आगे डिमांड बढ़ सकती है। बिल्कुल दोस्तों इसके बारे में विस्तार से अभी चर्चा करूंगा, लेकिन आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों सीधी बात यह है कि जो आजतपुर मंडी है एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और उसमें सबसे ज्यादा जो आलू बिकता है वो शुगर फ्री आलू ही बिकता है, और तुम्हारे गाजीपुर मंडी है वहां पे भी शुगर फ्री आलू बिकता है। अब दोस्तों एक बात इसमें यह है कि जो वहां पे जो आलू बिक रहा है वही हमारे कोल्ड में बिक रहा है, अब कोल्ड में भी वही रेट बिक रहा है और आजतपुर में भी वही रेट बिक रहा है, यही कारण है कि कोल्ड में आलू के ज्यादा रेट ना बढ़ने का। अब इसमें देखो रेट कब बढ़ेंगे इसके बारे में अभी आपके लिए बताऊंगा। एक बात और समझ लीजिए कि फिर जो आजतपुर में रेट जो आलू बिक रहा है वो हमारे कोल्ड में बिक रहा है तो व्यापारी कहां लेके जा रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, तो इसका मैं अभी आपको जवाब देता हूं। देखो कुछ मंडियां ऐसी हैं जहां पर 2, 4, 5 या 10 गाड़ी तक की ही रिक्वायरमेंट है, लेकिन वहां पे आलू सही बिक जाता है, 850 रुपए तक भी 37-97 बिक जाता है वहां पे। अब आपसे अगर 750 रुपए खरीद लिया और 50-60 रुपए का खर्चा हो गया तो 10-20 रुपए भी इन व्यापारियों को मिल जाते हैं, तो वो भी काफी है, कम से कम मिल तो रहे। तो इस वजह से दोस्तों वो अपनी मंडियों में दूसरी जगह ले जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आजतपुर ही लेके जाएं। अब रहा आजतपुर के बारे में बात, अब आजतपुर में जब तक बैलेंस खत्म नहीं होगा रेट नहीं बढ़ेगा, और बैलेंस खत्म होने के बाद 10-20 रुपए बढ़ सकते हैं, और ऐसे ही डेली बैलेंस खत्म होता रहा तो हो सकता है आने वाले टाइम में 50 से 100 रुपए बढ़ जाएं आजतपुर मंडी में। जब आजतपुर मंडी में 100 रुपए बढ़ेंगे तो हो सकता है कोल्डो में भी 50 से 70 रुपए तक की तेजी देखी जा सकती है। तो यही कारण है किसान भाइयों की शुगर फ्री आलू की जो ज्यादा बड़ी मंडियां हैं वहां पर रेट ना बढ़ना। और जैसे अब एक चीज और हमने एक प्लस पॉइंट इसमें ये है, हरियाणा पंजाब में अभी यहाँ खाने वाला जो आलू है वो कम है और वहां पर शुगर फ्री आलू भी काफी पसंद किया जाता है, हो सकता है वहां के भी आने वाले टाइम में डिमांड आ सकती है। लेकिन इसका मतलब दोस्तों पुख्ता ये नहीं है कि डिमांड कितनी आएगी या डिमांड कब आएगी, क्योंकि जब भी डिमांड आएगी हो सकता है उसके साथ आपकी निकासी भी बढ़ जाए। तो इस वजह से दोस्तों रेट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 10-20-50 रुपए की तेजी आ सकती है, लेकिन उस तेजी को लेगा कौन, कौन किसान उसको फायदा उठा सकते हैं ये भी देखना बाकी है। और आपके पॉकेट में दम है तो आप रिस्क लीजिए, आपके पॉकेट में दम नहीं है तो थोड़ा थोड़ा आप निकालते रहिए, तो आप अपने आलू को अपने हिसाब से बेच सकते हो, क्योंकि आपका आलू है, आपने मेहनत की है, आपने काफी ज्यादा उस पर पैसा खर्च किया है। लेकिन हमारा तो यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप बेचते रहोगे तो फायदा में रहोगे। तो दोस्तों ये जानकारी हमारी कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़, थैंक यू।